नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद मोहसिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसमबाड़ा सिंगनीवाला ग्राम सभा में पड़ने वाले एक क्षेत्र में, जहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा राज्य सरकार व ग्राम समाज की भूमि को कब्जा लिया गया था 2019 में। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देख सकते हैं तहसील प्रशासन की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आज 2024 में दोबारा फिर इस भूमि पर निर्माण कार्य हो चुका है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे खालिद मंसूरी जी, जो भाजपा के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है पूरा मामला यहाँ पर? मामला यही है कि 2019 में एक डेलीगेशन सीसमबाड़ा से हमारे पास आया था। उन्होंने कहा साहब यहाँ पे कांग्रेस सरकार में कुछ कब्जे हुए, लोगों ने कब्जे किए, कांग्रेस के नेता हैं, दो तीन लोग लोकल हैं सीसमबाड़ा के, कोई बुड्ढी साइड के हैं और भी हैं बाहर के लोग हैं। तो बाहर के कहाँ के लोग ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो हमने कहा ठीक है, उसमें मदद करेंगे आपकी। तो हमने मौके पे विजिट किया, विजिट हमने जब किया तो पाया गया कि वाकई इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जो कि हमने जब इसके पेपर चेक किए तो सब राज्य सरकार। क्या कुछ खसरा नंबर है इन जमीन? ये 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, कुछ 50+ ऐसे कुछ नंबर ही सब राज्य सरकार के हैं, जो कि सिंचाई विभाग, राज्य सरकार और ग्राम समाज भी हो सकती है आसपास जमीनें, क्योंकि ग्राम समाज की जानकारी के अनुसार कुछ जमीनें ग्राम समाज की भी यहाँ पे जो है ना, अभी पट्टे चढ़ा करके फर्जी तरीके से इन्हीं जमीनों के अगल बगल फर्जीवाड़ा भूमाफियों ने क्या क्या हुआ है? जी जी जी। तो इस पूरे प्रकरण को लेके आपने शासनिक या प्रशासनिक किसी अधिकारी से बात की? देखिए 2019 में जब डेलीगेशन ने हमसे मुलाकात की तो हमने यहाँ पे बड़े स्तर पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई थी। कोई SDM कौस्तुभ मिश्रा थे, उन्होंने यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, जैसी भी चली बाकायदा वीडियो वगैरह सब है। और उसके बाद में शायद कुछ जमीन पे अभी अभी कब्जा है, जिस जमीन से कब्जा हटा था, ये कोई 2-4 करोड़ की जमीन नहीं है, लगभग 15 से 20-25 करोड़ की जमीन है। और यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पे इतना बड़ा खेल हुआ है, इतना बड़ा खेल यहाँ पे हुआ है, लगभग 150-200 करोड़ की जमीन है जो ग्राम समाज, राज्य सरकार और अन्य विभागों की है, वो कहीं और के नंबर यहाँ चढ़ा करके बेच दिए गए हैं। क्या इन सब भूमियों पर अवैध कब्जा भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए भैया, इसमें ये जांच का विषय है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है मैं इसमें जांच की मांग भी करता हूं। और दूसरी लाइन इसमें ये है कि मैंने स्वयं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से CBI की जांच की मांग की है, CBI जांच होनी चाहिए। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात की इस मामले को? नहीं, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। 17-18 तारीख में शायद मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी, तो उसमें मैं यही बात रखूंगा कि इसमें CBI जांच हो, क्योंकि बहुत बड़ा खेल है। और मुझे लगता है कि ये जो भूमाफिया है, ये अगर इनको कोई बोलता भी है तो ये धमकाते हैं, डराते हैं यहाँ के लोगों को। क्या आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है भूमाफियाओं द्वारा, आपको कोई धमकी वगैरह भरे मैसेज वगैरह प्राप्त हुए? देखिए मुझे अभी तक कोई किसी ने धमकी नहीं दी है और ना ही मैं डरने वाला हूँ। 2019 में धमकी दी थी, उसका परिणाम ये हुआ था JCB चली थी यहाँ पे ना, डरने वालों में से नहीं है। हम तो निडर होके अब काम करते हैं और मेरी जो सरकार है वो 0 टॉलरेंस की सरकार है। और मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अगर कुछ दो चंद चंद लोग जो भूमाफिया है वो बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि तो 0 टॉलरेंस की सरकार है, इसमें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जांच होगी, कार्रवाई तो होनी है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमने 2019 में कार्रवाई करी तो अभी भी कराएंगे हम कार्रवाई। क्या इस भूमाफियाओं के साथ किसी पार्टी का कोई छत्र छाया में पड़ रहे हैं लोग? भैया ऐसा है, मैंने आपको बताया कांग्रेस सरकार में कब्जे हुए थे और अभी भी जानकारी के अनुसार कांग्रेस के ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ कब्जे कर रखे हैं। और ये कोई 10-20 करोड़ का मामला नहीं है साहब। आपका कहने का जो मकसद है, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई 2-4-5-10-20 करोड़ का मामला नहीं है, 150 से 200 करोड़ की जमीनों को यहाँ फर्जीवाड़ा करके बेच दिया गया, तो राजस्व को नुकसान है सीधा सीधा। कांग्रेस के कौन नेता है वो, कौन लोग नेता है? भैया देखिए ऐसे तो मुझे किसी का नाम मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोकल है कुछ लोग, इसमें कुछ लोग अगल बगल के गांवों के लोग हैं। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने इसी पंचायत में नहीं, शंकरपुर में भी इन लोगों ने ऐसे ही किया, वहां पे भी इन्होंने फर्जी नंबर चढ़ा के जमीन पे कब्जा करके प्लॉटिंग की और बेच दी। इसका सीधा सीधा जो नुकसान है, मेरा अपना मानना है, आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले एक कब्जा, क्या बोलते हैं, एक बस्ती हटाई गई थी डगरानी और नवाबगढ़ नंबर एक पुल पे, सरकार की जमीन कोई नहीं रख सकता, सरकार की जमीन सरकार लेगी। अच्छा, क्या इतना आसान है किसी भी जमीन में किसी दूसरी जमीन का नंबर लगा कर बेचना? भैया इनके लिए तो बहुत आसान है, तो इनका तो काम ही यही है। क्या इनके साथ तहसील प्रशासन मिला हो सकता है? देखिए ये जांच का विषय है। और रही बात तहसील प्रशासन की,
हमने तो 2019 में तहसील प्रशासन को कराया, उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की इसमें। तो अभी क्या आपको लगता है इसमें तहसील प्रशासन के संज्ञान में यह मामला नहीं है? तहसील प्रशासन के संज्ञान में मामला जो है डाल दिया गया है, और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कार्रवाई तो निश्चित रूप से होनी है। और इसका एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैं मैसेज देना चाहूंगा, जिस तरह की जमीनें ये कब्जा करके भूमाफिया गरीबों को लालच दे करके सस्ते में देते हैं, उसका परिणाम ये होता है गरीब बेघर होता है। उसका उदाहरण है विकास नगर का नंबर एक पुल और जी ढगरानी ग्राम पंचायत, वहां पर जितनी बस्ती बसी थी ये उन भूमाफियाओं द्वारा बसाई गई थी। इस तरह के भूमाफिया थे, सस्ती दामों में उनको जमीन दी, उन लालच में उन्होंने जमीन ले ली, अब फर्जी नंबर चढ़ा के जमीन बेचेंगे। अब सामने गरीब आदमी क्या होता है कि ये क्या है, उसको दिख रहा मुझे जमीन मिल रही है, सस्ती मिल रही है, मेरा घर बन जाएगा। लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उनके जो मंगान हटाए गए, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मुजरिम है, भूमाफिया मुजरिम है जो पंचायतों की जमीन कब्जा करके गरीब लोगों को बेचते हैं। आपने एक नंबर पुल का अभी जिक्र किया है नेताजी, आपने अभी एक नंबर पुल का जिक्र किया है जहां पर कुछ गरीबों के आवास तोड़े गए, उनके निवास स्थान तोड़े गए, कुछ गरीब वहां पर मानसिक संतुलन तक खो बैठे थे, हमारे सूत्रों के माध्यम से हम लोगों को पता लगा था। क्या उन लोगों के जो मुकदमे हैं वो भी इन्हीं के सिराने चाहिए? देखिए, इनके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए, उन गरीब लोगों को इन्होंने लालच दे करके बसाया अपने स्वार्थ के लिए। अब मौजूदा इसी भूमि की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, ये क्या राज्य सरकार की भूमि? देखिए, ये जाँच होनी चाहिए इसके। लेकिन हमें मुझे याद है कि इसमें एक गेट था, इसमें एंट्री जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे गेट था, वो भी राज्य सरकार में था, वो सब राज्य सरकार ही बताया उस टाइम हमें ना। कुछ जमीनें जब इसकी उसकी पूरी पटवारी आया मौके पे, तहसीलदार आए, एसडीएम साहब आए, प्रशासन की टीम आई, तो कुछ एक दो के नाम यहाँ जमीनें निकली थी, किसी के एक बीघा के लगभग, किसी के एक और नंबर निकला था, बाकी सब राज्य सरकार और नीचे सब राज्य सरकार, ग्राम समाज और क्या बोलते हैं उसको, सिंचाई विभाग की जमीन है। ये एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। इन लोगों ने अभी लगभग मेरी जानकारी के अनुसार इस 2-3 सालों के अंदर 100 करोड़ से ऊपर की जमीनों को सिसमबाड़ा में अन्य पंचायतों में फर्जी नंबर चढ़ा करके बेच दिया गया। आखिर प्रशासन इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, मेरे संज्ञान में मामला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि इन भूमाफियाओं द्वारा अधिक ग्राम सभाओं में राज्य सरकार व केंद्र सरकार या ग्राम समाज की जो भूमि है उनको कब्जा कर बेच दिया गया है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कौन लोग इन लोगों को शरण दे रहे हैं? देखिए, उसमें कई मामलों में तो इनकी जांच चल रही है, रुकवा दी गई है, दोस्ती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जब एक बार बताइए, इनके खिलाफ कोई बोलता है तो गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, इनके खिलाफ आते नहीं है, यहाँ के लोग विकास आ रहे हैं और यहाँ के कुछ सामाजिक संगठन है जो लगातार मेरे टच में है। कह रहे हैं साहब, कौन से संगठन आप लोगों के? पार्टी से जुड़े हुए संगठन है, कुछ सामाजिक संगठन है, सब लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इन लोगों से सब परेशान है, गरीब लोगों को बसा रहे हैं। आप बगल में देख लीजिए, हिमगिरी के बगल में बस्ती हटी थी, उसका जिम्मेदार कौन है? भूमाफिया है, फर्जी तरीके से उनको जमीन बेची, बसाया उनको। चलिए, मुझे लगता है ये ग्रामीण हमारे पास इस वक्त पहुंचे हैं। क्या साजिद जी, आप कहाँ के निवास स्थान कहाँ पर करते हैं? सिंगनीवाला सिसमबाड़ा, आप इसी ग्राम सभा के हैं। ये भूमि जो यहाँ पर है ये किन की भूमि है? वही सुना जाता है उसकी है, क्या नाम, राज्य सरकार की। राज्य सरकार की भूमि है, तो यहाँ पर ये निर्माण कार्य हो रखा है और आप लोगों द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई जाती, ग्राम प्रधान द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई जाती? भाई, ये तो ग्राम प्रधान देखना चाहिए, ग्राम प्रधान को देखनी चाहिए भाई क्या हो रहा है। हम तो बाहर रहते हैं, गाड़िया भी चलते हैं, हमारा अभी हमारे कुछ क्या बारे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। चलिए, ये हमारे साथ इस वक्त ग्राम सभा के जो निवास स्थान पर रहते हैं, यहाँ पर सिसमबाड़ा ग्राम सभा में रहते हैं, इनसे भी हमने जानना चाहा कि यह भूमि किसकी है। तो इन भाई द्वारा भी बताया गया यह भूमि राज्य सरकार की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का काम भूमाफिया कर रहे हैं। जेसीबी न्यूज के साथ मोहम्मद मोहसिन, जय हिंद।